रखी गई हैं। इस बार अगर बात श्राइन बोर्ड की करें तो श्राइन बोर्ड ने पहले के मुकाबले इस बार सुविधाएं ज्यादा दी हैं, जो हसास इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, कुलगाम के काजी गुंड पहुंच चुका है पहला जत्था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे, कश्मीर जत्था पहुंच चुका है वादी कश्मीर में, घाटी में इसकी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, कश्मीर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कुछ देर पहले आपको बता दें कि ये जत्था रामबन पहुंचा था, वहां पर स्वागत किया गया, और अब कुछ घंटे में बालतल और पहलगाम यात्री पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 3000 से ज्यादा यात्री पहले जत्थे में शामिल हैं, जो बालतल और पहलगाम के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है, घाटी पहुंच चुका है, उसकी एंट्री हो चुकी है। कुलगाम के काजी गुंड ये पहला जत्था पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे प्रशासनिक अधिकारी तमाम तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस बल हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, सभी नाके पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, कुलगाम के काजी गुंड पहला जत्था पहुंचा है। नवयोग सुरंग ये टनल है जिस को पार करके कश्मीर में प्रवेश कर चुका है पहला जत्था। पहले जत्थे में आपको बता दें कि दोनों ट्रैक के यात्री शामिल हैं, जो नुनवन बेस कैंप तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरे रास्ते की अगर बात करें तो पहलगाम बालतल का रास्ता है, कुछ घंटे में बालतल और पहलगाम पहुंचेंगे ये यात्री। तो सिक्योरिटी के चौकस इंतजामात हैं, और जगह जगह पर जहां जहां यात्रियों का पड़ाव रहने वाला है वहां पर खास सुविधाएं रखी गई हैं। नवयुग टनल को पार कर चुका है पहला जत्था, पहले जत्थे की एंट्री कश्मीर में हो चुकी है, और इस पूरे जत्थे को कवर कर रहा है न्यूज 18 JKLH। हर जगह हर मकाम पर हमारे संवाददाता तैयार हैं, तैनात हैं, ताकि उनके जरिए एग्जैक्ट जो रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचा सके। और किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए इंतजामिया ने प्रशासन ने बंदोबस्त किए हैं उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए कैसे टीवी स्क्रीन पर बुखे देकर इन यात्रियों का स्वागत अर्धसैनिक आला अधिकारियों की तरफ से, अर्धसैनिक बलों की तरफ से, पुलिस बलों की तरफ से किया जा रहा है, माला पहनाकर किया जा रहा है। तो कश्मीर पहुंच चुका है पहला जत्था। पहले तो मैं आपका और डीसी साहब डीसी कुलगाम का मैं खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने कहने पर हम आज काजीगुंड टनल के पास पहुंचे। तो हमने आज यात्रा का जो पहला जत्था था आज उनको हमने इनॉग्रेट किया, तो वो वादी की तरफ रवाना हो गए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आप कश्मीर आइए और हम आपके स्वागत के लिए तैयार है जनाब। तो बाकी साहब डीसी साहब ने हमारे आज यहाँ प्रोग्राम बनाया था, काजीगुंड DIG साहब भी थे, SSP साहब थे, SP साहब थे, तो हम उनका भी वेलकम करते हैं। हम PRI मेंबर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हैं, आज हमने तहे दिल से स्वागत किया है यात्रा काजीगुंड टनल के साथ। क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज रहेगी सर, हमारी यही मैसेज रहेगी पूरे हिंदुस्तान को कि आप जोग दर जोग आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, बार बार आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। ये पहली यात्रा है हमारे कश्मीर में, तो हमने बहुत स्वागत किया इनके लिए, तो खुशी की बात है आगे भी करते रहेंगे। तो हमने भी सोचा हम इसका स्वागत करेंगे बड़ी धूमधाम से, तो मेरे ख्याल में हमारी स्वागत बहुत अच्छा। क्या मैसेज रहेगा आपका? हम सबको मैसेज देते हैं जो भी है आगे भी, हमें बहुत इनको रिस्पॉन्स देना है, स्वागत करना है इनके लिए, ये हमारी मेहमान है। सारी कश्मीर को लोगों को हम कहना चाहते हैं ये कि इनको रिस्पॉन्स दीजिए, इनको ये मेहमान है हमारी, हम इनके साथ बहुत ताउन नशीज करते रहे, पहले भी करते थे और आज भी करते रहेंगे। कड़े हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच और बम बम बोले के नारों के चलते श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वादी कश्मीर में दाखिल हो गया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि कल बाजाबता तौर पे 1 जुलाई को दोनों रिवायती रास्तों से जो है यात्रा बहाल होगी, चाहे वो चंदनवाड़ी के रास्ते या फिर बालतल के रास्ते। इन दोनों रास्तों से बाजाबता तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और हम आपको बताएं कि ये जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है इसको आज पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था, और तकरीबन 3000 से जायद यात्रियों का पहला काफिला वादी में दाखिल हो गया। और ऐसे में कल 1 जुलाई को बाजाबता तौर पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। जहूर जी, न्यूज 18 नेटवर्क, नवयुग टनल, काजी।